महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सक हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये संसार मेरे खिलाफ खड़ा है, तब कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। पावर हमेशा खतरनाक होती है, यह बुरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अच्छे लोगों को करप्शन में ले जाती है। अर्जुन कहते हैं अगर हम हार गए केशव तो, श्री कृष्ण कहते हैं धर्म कभी हार नहीं सकता पार्थ। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि दवाई का कोई धर्म नहीं होता। महान भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, पाई की वैल्यू को भी उन्होंने ही कैलकुलेट किया था, एरिया और ट्रायंगल भी इन्होंने ही खोजा था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी स्फेरिकल इन शेप है। सभी हिंदू देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र दिखाए जाते हैं, क्योंकि सब कुछ साइलेंस और अहिंसा से अचीव नहीं किया जा सकता। राक्षसों को हराने के लिए शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु हिंसा करना भी धर्म होता है, यह पूरा श्लोक है। ऋग्वेद में आज से कई सौ वर्षों पूर्व स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू बता दी गई थी। भगवद गीता के अनुसार आपकी जाति आपके कार्य के अनुसार होती है, आपके जन्म के अनुसार नहीं। भगवान श्री राम से हम सीख सकते हैं धर्म के मार्ग पर चलना, मित्रता निभाना, अपने वचन का मान रखना, सभी से आदर और सम्मान का व्यवहार करना, और जिस भी चीज से आप प्रेम करते हैं उसके लिए कभी गिव अप नहीं करना। जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है। जियोमेट्री शब्द का मीनिंग होता है मेजरिंग द अर्थ। जियोमेट्री की इन्वेंशन यूरोप से भी हजार साल पहले भारत में हो गई थी। निकोला टेस्ला ने भी फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए भारतीय वेद और स्वामी विवेकानंद जी को ही अध्ययन किया था। कोरोना महामारी के बाद विश्व ने नमस्ते वेजिटेरियन डाइट और डेड बॉडीज को जलाने के पीछे का वैज्ञानिक महत्व समझा, इसीलिए सनातन धर्म जीवन जीने का धर्म है। एलोन मस्क भी भगवद गीता से ही इंस्पायर्ड हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट एटम बॉम्ब की डिस्कवरी का श्रेय भी भगवद गीता को ही देते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी को भी भगवद गीता से ही लिया गया है। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ भी श्रीमद् भगवद गीता की स्टडी करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि सत्य ये है कि संस्कृत भाषा में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक करोड़ और दूसरा प्रकार। इसलिए हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। रामायण हमें सिखाती है कि यदि आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है तो आपको समस्याओं का सामना करना ही होगा, चाहे फिर आप भगवान ही क्यों ना हो। समस्याएं आपको खत्म करने के लिए नहीं, अपितु आपके हिडन टैलेंट से आपको मिलवाने के लिए आती हैं। हम राम राम दो बार ही कहते हैं, तीन या चार बार नहीं। इसके पीछे का कारण ये है कि राम राम कहने से एक माला कंप्लीट हो जाती है, अर्थात 108 की एक माला। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है ही इज बिगर देन बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। चाइना में शाओलिन कुंग फू के फाउंडर एक पल्लव प्रिंस बोधिधर्मा थे जो साउथ इंडिया से थे। वैदिक सिविलाइजेशन में नारी की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय के महान योद्धा और स्वयं भगवान का नाम देवकी नंदन उनकी माँ के नाम पर ही था। नैतिकता आपको बंधन में बांध देगी, लेकिन विजडम आपको बिल्कुल आजाद कर देगी। इसीलिए मोरालिटी भीष्म पितामह का मार्ग है और भगवान श्री कृष्ण का मार्ग है बुद्धिमत्ता विजडम। भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया में रहकर सब कार्य किए, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के। इस दुनिया में सब दुखों का एक ही कारण है, भगवान से अपने संबंध को भूल जाना। भगवान विष्णु के दो अवतार श्री राम और श्री कृष्ण को देखने के लिए इस धरती पर भगवान विष्णु के एक और अवतार परशुराम जी ही थे सिर्फ। हिंदू मूर्ति पूजा के उपासक नहीं है, बल्कि वो उस मूर्ति के पीछे जो भगवान की भावना छुपी हुई है उसके उपासक है। क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी भगवद गीता से ही लिया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही बता दिया गया था। वीर हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन हम्बल रहिए। अपनी शक्ति का उपयोग मानवता के लिए कीजिए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। अधर्मियों पर कोई दया नहीं। हमेशा कॉन्फिडेंट और निडर रहें। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, युद्ध करो। इसमें या तो तुम वीरगति को प्राप्त होगे या विजय होकर संपूर्ण पृथ्वी के तुम राजा होगे। आइंस्टाइन भी श्रीमद् भगवद गीता को अपनी इंस्पिरेशन का सोर्स मानते थे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। सनातन धर्म इसीलिए महान है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिणाम की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारे नियंत्रण में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी ड्यूटीज को छोड़कर अपने आप को मुझे समर्पण कर दो। योग दुनिया की सबसे प्राचीन विद्या है। ऋग्वेद में पृथ्वी की सतहों के बारे में पहले से ही बता दिया गया है। हिंदुइज्म सबसे प्राचीन और साइंटिफिक है। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि श्री कृष्ण को अपना शस्त्र न उठाने का प्रण ऑलमोस्ट तोड़ना ही पड़ गया था। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें से 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। जिंदगी में यदि आप पूरी तरह निराश हो जाएं, तो श्रीमद् भगवत गीता एक बार अवश्य पढ़ें। एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख ही देती हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।